दिखाता हूँ बिल्कुल सामने जो मजार कायद है। द फोटोग्राफ ऑफ टिपिकल बारात ड्यूरिंग 1960s इन कराची। बहुत ही विंटेज किस्म की एक लोकेशन बनी हुई है और साथ में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है TDF घर दाऊद फाउंडेशन वेलकम टू द TDF घर। माने का टेलीफोन इधर रखा हुआ है लेकिन टच नहीं कर सकते। TVs रखे हुए हैं यहाँ पे, पिक्चर्स लगी हुई हैं पुरानी पुरानी। Assalamualaikum everyone, welcome back to Babar Nasir Official. This is me Babar Sheikh. Welcome back to another vlog. तो आज के brand new vlog में तमाम subscribers को खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम subscribers बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे। तो मैं सब subscribers के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलात परेशानी को हल फरमाए, आपके हक में बेहतर फैसले करें अल्लाह पाक। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने व्लॉग का आगाज़ किया और अभी बिल्कुल असर की नमाज़ पढ़ते के साथ ही मैंने जो व्लॉग शुरू किया है, तो यार सबसे मेन चीज़ जो मैंने कल आप लोग बताई थी कि आज से लेके और 14th अगस्त तक जो है मैं डेली व्लॉग बनाता रहूँगा। इसके अलावा भी मैं डेली व्लॉग्स बनाता रहूँगा, अभी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे आगे जाके करनी है तो और आप लोगों को भी दिखानी है। तो भाई आज के व्लॉग में सीन ये होने वाला है कि आज जो है मेरे घर के बहुत ही करीब ही एक जगह है और वो जगह बहुत ही मशहूर है। वो जो जगह है वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी की है। तो मेरे घर के सबसे करीब जो है वो मजार कायद है और उसके सामने जो है वो TGF करके, मैंने अभी तक मुझे आइडिया नहीं क्या चीज़ है उस जगह का नाम, मैं जाके देखूंगा। लेकिन हम लोग बिल्कुल फ्री होकर व्लॉग का भी हमने आगाज़ कर दिया। तो भाई आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में तमाम सब्सक्राइबर्स को खुशामदीद गाइस। तो जिस जिससे बाबर नसीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से जल्दी से जल्दी जाओ। अभी टाइम हो चुका है 5:58 हो चुका है, 7 अगस्त है। यस, तो गाइस जब से गर्मी शुरू हुई थी इतनी तेज गर्मी पड़ी थी कराची में, तब से मेरी तो आदत ही बन गई कि भाई शाम के अलावा जो है वो बाहर नहीं निकलना, क्योंकि मेरी शादी वाले दिनों में भी ये था कि मैं बहुत गर्मी में घुमा फिरा था भाई, अब जो है वो शाम के अलावा बाहर नहीं निकलना है, शाम के टाइम में बाहर निकलना है गाइस। तो मैं निकल गया हूँ बाहर। यार जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई जगह है मेरे घर के बिल्कुल ही अकब में ही, करीब में ही, तो मैं वहाँ पे जाके देख के आता हूँ कि भाई क्या सीन है वहाँ पे। मुझे मेरी भांजियों ने भी कल कहा था कि आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और बाकी सब्सक्राइबर्स को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी वहाँ जाकर, तो आप भी जाके देखना, विजिट करना, आपको वो जगह बहुत प्यारी लगेगी। आपको क्या सीन है, क्या जगह है वैसे। बहरहाल मैंने, मेरे जहन भी है, मैं अक्सर करके वहाँ से मेरे ख्याल गाड़ी वाड़ी कभी वॉश करवाता था किसी ज़माने में, तो मैंने वहाँ पर देखा था हार्ट बना हुआ है छत के ऊपर ना, तो वो मुझे विजिट करनी थी जगह, इस वजह से मैं निकल गया भाई, आई एम ऑन माय वे। तो पहले जल्दी से पहुंच जाते हैं जगह पर, उसके बाद फिर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपको पता है कराची की आवाम ऐसी बड़ी जज्बाती होती है और अम्मी पर बहुत बोलती है मुझे, व्हेन यू आर ड्राइविंग डोंट मेक व्लॉग, प्लीज़ डोंट यूज़ योर फोन, क्योंकि वो बहुत डरती हैं, वो कहती हैं भाई नहीं तुम गाड़ी ऐसे चलाया करो जैसे सिर्फ तुम्हें चलानी आती और बाकी किसी को चलानी नहीं आती। इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान, कायदे आज़म तेरा एहसान एहसान। तो यार जिस लोकेशन पर मैं अभी आया हुआ हूँ ना, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की और काफ़ी सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा नॉलेज देंगी। तो बिल्कुल ही सामने जो है वो मज़ार कायद है, लेट मी ज़ूम गाइस, ये चेक करो, बिल्कुल सामने मज़ार कायद है। सुबह आप खड़े हो गए तो आपको यहाँ से एक ऊपर हार्ट नज़र आएगा, ये देखो बाहर से इसकी लोकेशन थोड़ी सी ऐसी है। तो गाड़ी जो है मैंने ऑलमोस्ट पार्क कर दी है, लेट्स गो इन साइड। टिकट किधर से मिलेगी, यहीं से मिलेगी टिकट। टिकट देना है जो है वो 150 रुपये की है और मुझे थोड़ा गाइड भी करना भाई यहाँ से अंदर किधर से जाना है। बहुत ही प्यारी एक लोकेशन बनी हुई है गाइस। अंदर घुसते के साथ ही जो लगा हुआ है सामने ही जिसमें लिखा हुआ है TDF घर एंट्री टिकट वगैरह, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो हमारी एंट्रेंस है, बहुत ही विंटेज किस्म की एक लोकेशन बनी हुई है और साथ में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है TDF घर दाऊद फाउंडेशन वेलकम टू द TDF घर। बहुत ही विंटेज किस्म की एक लोकेशन बनी हुई है और साथ में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है TDF घर दाऊद फाउंडेशन वेलकम टू द TDF घर। यहाँ पे जो है इनका मेरे ख्याल कोई रेस्टोरेंट वगैरह का शायद कोई एरिया वगैरह, लेकिन बाहर से ये लोकेशन पूरी इतनी खूबसूरत बनी हुई है, तो पिक्चर्स लेने वाला माहौल है यार। जैसे मैं यहाँ से अंदर हो रहा हूँ मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा हूँ, बहुत प्यारी प्यारी है। झूला चेक करो कितना प्यारा लगा हुआ है गाइस, रास्ता यहाँ से अंदर जाने का। जैसे आप एंटर करोगे ना अंदर, दोस्तों के साथ ही आपको हिस्टोरिकल पिक्चर्स नजर आएंगी जिसके अंदर सारी की सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं। अब देखो जैसे ये वाली पिक्चर, द फोटोग्राफ ऑफ टिपिकल बारात ड्यूरिंग 1960s इन कराची। काम भी कर रहे हैं बैठे हुए हैं। अच्छा कोई ऐसा गाइडर हो ना तो ये होगा कि इससे, जैसे अब ये पिक्चर लगी हुई है तो हमें इसकी थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि क्या है क्या माजरा था। तो यार ये अच्छा होगा कि मैंने बोल दिया कि भाई आप कोई ऐसा गाइडर वाइडर कोई बंदा हो जो गाइडेंस वगैरह दे दें। पूछते पूछते जो नीचे से ऊपर आए, ऊपर की भी जगह देख लेते कैसी है। तो गाइस छत पे आने के बाद जो है मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, बिल्कुल सामने जो है मजार कायद है हमारे, और साथ ही जो है इस तरह पूरी फैमिलीज बैठी हैं, तो मैंने सिर्फ कैमरा नहीं किया है।
तरह मैंने थिंकिंग की थी उतनी ज़्यादा तो मुझे चीज़ें यहाँ पे नहीं नज़र आई, लेकिन नॉर्मली जो चीज़ें मुझे नज़र आई हैं वो तरीके से लगा हुआ क्या जैसे म्यूज़ियम वगैरह के बारे में। नीचे जो मैंने चीज़ें देखी हैं मुझे इतनी खास नज़र नहीं आई। बहरहाल सामने की तरफ जो फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई हैं तो मैं उस तरफ कैमरा नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ऐसे ही वापस जाऊँगा। नीचे वजह से मैं आया था वो सामने लगा हुआ है हार्ट, लेकिन वो हार्ट जो वो भी नीचे रख दिया है इन्होंने ला के। जब ये ऊपर लगेगा तभी हम पिक्चर ले सकते हैं। अभी तो नीचे कर दिया आप लोगों ने, पिक्चर कैसे लेंगे। ये पूरी जगह मेरे घर के पास थी तो यहाँ पे सारी जितनी भी मतलब 1990s की जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि ये हो गया, अब इस पर लिखा हुआ डू नॉट टच टाइपराइटर हो गया, सही है, ऐसी चीज़ें जैसे पुराने ज़माने की सारी चीज़ें, जैसे ये क्लॉक हो गई और ये हो गया, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये मरिस्टा 30 पोर्टेबल टाइपराइटर है, ये रखा हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी ऐसी मतलब पुराने ज़माने की बुक्स वगैरह, पुरानी फर्नीचर चीज़ें, ये जो रखा हुआ है यहाँ पे चीज़ें देखिए आप कितनी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं सारी। ज़माने का टेलीफोन रखा हुआ है लेकिन टच नहीं कर सकते, टीवीज रखे हुए हैं यहाँ पे, पिक्चर्स लगी हुई हैं पुरानी। पर नई जनरेशन का हुक्का यहाँ पे ये वाला हुक्का रखा हुआ है। सर मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें देखी हैं काफ़ी ज़्यादा, मुझे चीज़ें समझ में भी आई थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे नहीं भी समझ आई, काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे लगी हैं यहाँ पे। देखो ये साइकिल रक्षा था पुराने ज़माने का, मतलब ऐसे चलते थे वहाँ पे रक्षे पुराने ज़माने में जब कराची में। जो वाइब यार बहुत नेक्स्ट लेवल इन्होंने बनाई, ये बहुत अच्छी वाइब लगी मुझे। सर मैं आप सबको बता रहा था ये वाइब जो है वो बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ की, लेकिन अब जो है मैं सोच रहा हूँ कि मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं 5 मिनट में पूरा घूम लिया मैंने नीचे ऊपर आगे भी हर जगह से पूरा घूम लिया। लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे लगा ना गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है साइकिल रक्षा। मैंने जल्दी पूरा घूम के मैं बाहर भी आ गया यार, चेक करो। A few moments later. Yes, so guys, I'm finally back home. यार जहाँ पे मैं गया था जो TDF है, तो मुझे मेरी भांजी ने प्रेफर किया था कि मामू यू मस्ट हैव टू विजिट, यू कैन गो एंड यू कैन चेक कि वहाँ पे क्या चीज़ आपको जो है वो समझ आने वाली है। पता नहीं क्या देख के आई थी वहाँ पे, तो मैं देख के आया यार, मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई। मतलब ओल्ड टेलीफोन था, ओल्ड टाइप राइटर था, ओल्ड पियानो था वहाँ पे, इस तरह की चीज़ें थी। तो कुछ चीज़ें जो थी वो कायदे आज़म के ज़माने की रखी हुई थी और कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही पुरानी रखी हुई थी। खैर मैंने आप लोगों को भी रिव्यू दिया, तो भाई जो लोग मेरे घर के अकब में रहते हैं, आसपास रहते हैं, मस्ट हैव टू विजिट, जाके देख के आए कि पुराने ज़माने की बारातें कैसी होती थी, कैसी चीज़ें होती थी। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं और जो हमारे नियर बाय लोग रहते हैं, मतलब जो भी कराची या सिंध में, पाकिस्तान में, लाहौर में रहते हैं, उनमें से मुझे बहुत ही कम लोग दिखे जो इंटरेस्टेड होते हैं भाई हिस्टोरिकल चीज़ों में घुसने में। और ना तो सबका ही दिमाग नेक्स्ट लेवल हुआ है, पता नहीं कहाँ जाना है लोगों को, क्या करना है, मेरी समझ से बाहर है, अपने मुल्क का पता नहीं है, दूसरी जगह का आप पूछ लो, लोगों को सारी नॉलेज होती है यहाँ के। मुझे गाइस बच्चों से और बूढ़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, उनकी कहानियों से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मतलब आई एम अ गुड लिसनर, मैं सुनता हूँ बैठ के कौन क्या कह रहा है, खासतौर पर कोई बड़ी एजेड कोई बंदा होता है ना, उसकी कोई भी कहानियों को भी स्टोरी हो यार, मुझे बड़ा मज़ा आता है सुनने में उसी की बात। अच्छा तो गाइस आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाला हूँ, वो किस्सा ये है, मुझे मेरी वालदा मोहतरमा ने सुनाया था, बड़ा ही अच्छा लगा था मुझे सुन के, मुझे बहुत पसंद आया था। तो वो किस्सा कुछ इस तरह था कि एक चिड़िया थी, नीचे आग लगी हुई थी तो वो अपनी चोंच में पानी भर भर के लेके आके उस आग में डाल रही थी, इस तरीके से उनका कुछ मुझे बताने का अंदाज था। कि चिड़िया थी वो अपने मुंह में पानी भर भर के अपनी चोंच में और ला के आग में डाल रही थी, तो किसी ने देख लिया, किसी ने बोला कि यार तुम इतनी सी चोंच में अपने पानी ला रही है कि कतरे से ये आग नहीं बुझेगी। चिड़िया ने उसे जवाब दिया कि मुझे भी मालूम है कि इतने से कतरे से जो है वो आग बुझने वाली नहीं, लेकिन मैं जो अपने हिस्से का हक अदा करूंगी। यही सूरत हाल जो है वो मेरी भी है, यही कुछ हालत मेरी भी है गाइस, कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है वो मैं अपने तमाम नाजरीन और हाजरीन के साथ जो है वो शेयर करूंगा। तो नाजरीन और हाजरीन, मूव योर हेड अराउंड समथिंग, सही है, नॉलेज इज़ अ बिग पावर। और सबसे बड़ी बात ये, मेरी जो वालदा मोहतरमा है गाइस, शी इज़ अ पूल ऑफ नॉलेज, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज है भाई, वो मुझे सारा दिन नॉलेज देती है। इनके मैं व्लॉगर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, लेकिन मेरी वालदा जो है वो मेरे लिए बेचारी लिख भी लेती हैं कि लिखा हुआ इसको समझ में आ जाएगा, तो मुँह से भी समझाती हैं और लिख के भी बताती हैं कि मुँह से मैंने समझा दिया, अब मैंने लिख के दिया है, वो लिखा हुआ भी तुम पढ़ो। तो कभी मैं आप लोगों के साथ वो जो लिखती हैं स्क्रिप्ट मेरे लिए, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आई होप आप सारे लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा गाइस। तो जिस बाबा नसीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं इंशाल्लाह कल लाइव व्लॉग में एक बेहतरीन व्लॉग के साथ। बहुत ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, लव यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। With the number of